अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच. यहाँ पे स्टूडेंट अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक साथ एक उन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिया हुआ है. अब कह रहे हैं कि ये वाला जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या वाकई इस मैट्रिक्स का है कि नहीं, तो आप सिंपल इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लें. मीन्स के जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं और डिवाइड करके देखें, अगर तो सेम यही रिजल्ट आया देन इज द इसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ए दिया हुआ मैट्रिक्स, बी दिया हुआ मैट्रिक्स, हमें डी दिया हुआ मैट्रिक्स एंड देन वेरीफाई. हमें दो पार्ट्स गिवन हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल लेके आना है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के. तो हम करते हैं पार्ट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसका पार्ट फर्स्ट है. ए गिवन है हमारे पास 4-1, 0 and 2 एंड B इक्वल है हमारे पास -4, 1, -2 and -1. हमने वेरीफाई करना है इसमें A B का होल इनवर्स इक्वल आता है B इनवर्स into A इनवर्स के. तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें गिवन है A B का होल इनवर्स. इसका मतलब ये होगा कि ये एडजॉइंट ऑफ हमने ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटरमिनेंट लेना है. सबसे पहले अब हमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है. वो हम दोनों मैट्रिसेस को लिखते हैं यहाँ पर, 4-1, 0, 2 ये हमारा ए आ गया, -4, 1, -2 and -1. इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई किया -4 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, 4 into -2 आगे साइन प्लस का 0 into -1. सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स -1 into -4 प्लस का साइन 2 into 1. सो -1 into -2 प्लस 2 into -1. देन स्टूडेंट्स अब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये माइनस है तो -16 plus 0. 4 को -2 से करें तो -8, 0 को -1 से करें तो ये 0. तो ये 4 प्लस का ये प्लस 2 और ये 2 2 2 1 2, -2 और ये -2 आ जाएगा. देन स्टूडेंट्स ये हमारे पास -16, ये -8, ये 6 और ये 0. ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी. अब ये जो ए बी है ये हमारा मेन मैट्रिक्स होगा कि जिसके ऊपर हमने अपना वर्क शुरू करना है. अब सबसे पहले अब हम इसका ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. -16, -8, 6 and 0 इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम. -16 into 0 and -8 into 6 ये 0 हो जाएगा. -, -, +8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48, 0 से ऐड तो 48 हो जाएगा. तो ए बी का हमारा जो डिटरमिनेंट है वो हमारा 48 आ जाएगा. अब हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट. अब हम एडजॉइंट निकालते हैं ए बी का. एडजॉइंट ऑफ ए बी जो हमने प्रोडक्ट किया है इसका, -16, -8, 6 और 0, -16, -8, 6 and 0 आ जाएगा हमारे पास. अब स्टूडेंट्स इसका हम निकालते हैं एडजॉइंट.
इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस सिक्स ये प्लस एट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट आ गया ए बी का। अब हम जो इनवर्स है ए बी का, इनवर्स इक्वल था एडजॉइंट ऑफ ए बी अवर ए बी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट हमने लिखा 0, 8, -6, -16 और हमारे पास जो ए बी का डिटरमिनेंट है वो 48 है। 48 से अब हम डिवाइड करेंगे, 0 by 48, 8 by 48, -6 by 48, -16 by 48। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 8 का टेबल, 8 ones are 8, 6 1, यहाँ पे भी 8, -1/8 आ गया, 16 ones are 16 और ये 3, तो -1/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी का इनवर्स आया है, इसको 1 का नाम दे दें। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब हम अलग अलग दोनों के इनवर्सेस निकालेंगे और दोनों को फिर इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का इनवर्स, वही फार्मूला लगाकर एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स को, ए हमारे पास है 4, -1, 0, 2। इसका अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, सो 4 into 2 -1 into 0, 4 2s are 8, -+ ये 0 हो जाएगा और ये 8। ए का डिटरमिनेंट हमारा 8 आ गया। इसके साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, 4 -1 0 2, इन दोनों की जगह चेंज 2 and 4 और ये +1 और ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगा लेते हैं, ए का इनवर्स था एडजॉइंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट हमें गिवन है 2 और इधर 1 है, 0 और 4 है, इज डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, वन ओवर एट इंटू 2, 4, 1 and 0, ये हमारे पास ए का इनवर्स आ गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स बी की तरफ। इसी तरीके से अब हम बी का भी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है -4, 1, -2, -1। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, -4, 1, -2, -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 into -1, -2 into 1, तो ये 4 + 2, तो 4 और 2, 6 हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ये बी का डिटरमिनेंट आया। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, -4, 1, -2 and -1। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की जगह चेंज, -1, -4, ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। अब हम बी इनवर्स जो फार्मूले के मुताबिक ऊपर एडजॉइंट आ जाएगा, -1, 2, -1, -4 इज डिवाइडेड बाय जो इसका डिटरमिनेंट निकला 6। इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1/6 into -1, -1, 2 and -4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स 1/6, दोनों की वैल्यूज लिख लेते हैं, -1, 2, -1, -4 ये आ जाएगा हमारे पास -4 है इंटू 1/8 2014 अब स्टूडेंट्स इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें, ये 1/48 आ गया, -1, 2, -1, -4 एंड 2014 इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 से होगा, 2 इंटू 1 होगा, फिर -1 0 से होगा प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, अगेन -1 इज 2 प्लस -4 इंटू 1 एंड नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी -1 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 4 तो स्टूडेंट्स 1/48 ये -2 ये +2 ये 0 प्लस 8 ये -2 और ये हमारे पास आ जाएगा -4 ये 0 और प्लस माइनस माइनस 16 ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये -6 आ गया और स्टूडेंट्स ये हमारे पास -16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं, 0/48 8/48 -6/48 -16/48 इनको जब हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 0 तो ये 1/6 ये 1/8 ये -1/3 अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई हुई है, इसको अब हम चेक करते हैं क्या यही वैल्यू हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की थी क्या यही थी वैल्यू हमारी। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो 0/1/6 -1/8 -1/3 ए बी का होल इनवर्स था और यही वैल्यूज हमारी 0/1/6 -1/8 -1/3 जो हमारी राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट नंबर 2 वो भी सेम इस तरीके से स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। डी ए अब डी और ए लेंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, उसी तरीके से इनवर्स लेंगे, फिर अलग अलग से ए का इनवर्स और डी का, वो आपने लिया हुआ है डी का सिर्फ लेना पड़ेगा आपको, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके दोनों साइड्स को इक्वल ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो हमने कंप्लीट कर ली।